मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कच्ची सड़क स्थित नमकीन फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई, जिसके कारण वहां खड़ी एक बाइक और हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान नमकीन फैक्ट्री में मौजूद दो कामगार भी आग में झुलस गए। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में कच्ची सड़क पर स्थित एक नमकीन फैक्ट्री में आज सुबह करीब 5 बजे लोगों ने धुआं उठता देखा, जिसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्राचीन उद्योग व्यापार मंडल उपाध्यक्ष पवन बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि नमकीन फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और इस दौरान मौके पर हलवाई कर्मचारी मौजूद थे। काम करने वाले कामगार थोड़े से झुलस गए हैं, उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पवन बंसल, मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। कौन जी बताइए, जो आग लगी आपके सूचना थी, किस तरह की आग थी? ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे आग लगी है। ये गोदाम समझ लो, वर्कशॉप समझ लो, हलवाई का काम है इनका, उस तरह का यहाँ काम था। बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम था। कब से यहाँ पर काम चल रहा है? काम तो ये अभी क्या, इन्होंने 4-5 महीने से ही। आग कितनी थी? आग तो भाई ये तो फायर ब्रिगेड वाले बता सकते हैं। हाँ, मौके पे हम जब आए, जब तक आग बुझा चुके थे फायर ब्रिगेड वाले। मौके पे कौन था यहाँ पर जो? मौके पे दो इनके जो हलवाई के कर्मचारी थे, वो थे जो काम करते हैं इनके पास। वो सुबह जल्दी आ जाते हैं ना काम करने के लिए, कई बार रात को वहीं रुक जाते हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं? जान की हानि अभी तक कोई सूचना नहीं है। बच्चे थोड़े से जले हैं, उनको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया था। रहता भी है कोई यहाँ? नहीं रहता कोई नहीं, केवल काम होता है। काम ही होता है बस, जब कभी अगर जैसा होली का सीजन आएगा तब अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो रात को काम हो जाता है, नहीं वैसे नहीं होता। इतना बड़ा काम नहीं है ना इनका, छोटी सी दुकान है बाहर। तो नुकसान किस तरह? अनुमान ये लगाया जा रहा कि 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई? फायर ब्रिगेड वाले तुरंत मौके पहुंचे, उनका बड़ा सहयोग रहा, उन्होंने समय रहते आग पर काबू पा लिया। एक गाड़ी आई थी। आपको बता दें कि आग से फैक्ट्री के ऊपर के कमरे में सो रहे बुढ़ाना निवासी दो कर्मचारी अर्जुन और सोनू झुलस गए। आग से फैक्ट्री में खड़ी एक बाइक और हजारों रुपए की संपत्ति भी जलकर राख हो गई।